बिहार के बेतिया में ट्रेन के दो बोगी और इंजन अचानक डिरेल हो गए। ट्रेन आनंद विहार से दरभंगा जा रही थी। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा बगहा पुलिस जिले के हरिहर नगर स्टेशन के पास की है। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 04068 आनंद विहार से दरभंगा जा रही थी। बुधवार रात करीब 12:03 पर ट्रेन के दो बोगी और इंजन डिरेल हो गए। बताया जा रहा है किसी अज्ञात व्यक्ति ने वैक्यूम ब्रेक लगाया था, जिसके कारण यह घटना हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे की तत्परता और समय पर कार्रवाई से किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची। फिलहाल डिरेल हुई बोगियों और इंजन को ट्रेन से अलग कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा कर दिया गया है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यानी ART की मदद से रेलगाड़ी को ठीक कर सुबह 3:55 पर दरभंगा के लिए रवाना किया गया। इस घटना के कारण दो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें गोरखपुर कैंट नारकटियागंज पैसेंजर 5 विलंब से चल रही है, तो वहीं नारकटियागंज गोरखपुर लगभग 10 की देरी से चल रही है। अन्य ट्रेनें रात के समय संचालित नहीं थीं, जिससे यात्रियों को अधिक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक यदुनाथ महतो ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित निकालने और ट्रेन को गंतव्य तक भेजने के लिए तुरंत कदम उठाए गए। रेलवे ट्रैक को मरम्मत कर सुबह तक यातायात सामान्य कर दिया गया। ट्रेन के डिरेल होने के कारण भैरोगंज और हरिहर नगर स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर यातायात बाधित हो गया है, लेकिन अप लाइन पर ट्रेन की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस घटना की पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अप लाइन के जरिए गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में बीते 23 अक्टूबर को भी बड़ा रेल हादसा होते होते बचा था। तिहार जोगबनी रेलखंड पर किसी ने पटरी पर लोहे की सरिया रख दी थी। DMU ट्रेन संख्या 07561 जब वहां से गुजरी तो सरिया पहिए में फंस गया था, जिससे ट्रेन में जोरदार झटका लगा था और तेज आवाज हुई थी। गनीमत रही थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया था। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर बुधवार 23 अक्टूबर की देर शाम को जब DMU ट्रेन संख्या 07561 रानीपत्रा स्टेशन से खुलने के बाद जैसे ही करीब 900 आगे बढ़ी तो अचानक जोरदार झटका लगा था। तेज आवाज और झटके से पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी। ट्रेन में सवार सभी यात्री घबरा गए थे। बोगी में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची थी। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया था कि गनीमत है कि हादसा टल गया। ट्रेन स्टेशन से खुली ही थी, इसलिए स्पीड उस हिसाब से नहीं थी जो बीच रास्ते में रहती है। अगर स्पीड ज्यादा होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घटना स्थल पर बारीकी से जांच की थी। उच्च अधिकारी को जांच रिपोर्ट भेजने की बात उन्होंने कही थी। जांच में पता चला था ट्रेन के पहिए में एक लोहे का सरिया फंसा हुआ था। सरिया इतनी बुरी तरह फंसा था कि उसे निकालने में 5 से ज्यादा का समय लग गया था। रेल प्रशासन मामले की जांच कर रही है। अब आनंद विहार दरभंगा एक्सप्रेस में किसी के वैक्यूम लगाने से बड़ा हादसा होते होते टला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 million प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 million प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।